हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम श्वेता है। मेरा आज का नेक्स्ट वीडियो है बजट पे। सो गाइस, मैं आज आप लोग को बजट के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगी कि 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा है बजट पेश करते समय और कितने समय तक उन्होंने बजट को पेश किया, कितना मिनट लगा था। तो चलिए, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 संसद में कब पेश किया गया? तो 1 फरवरी को पेश किया गया। ये हर 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिम बजट 25 मतलब अंतरिम बजट 2024-25 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया था? तो निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था बजट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुनाव वाले वर्ष में बजट कितने बार पेश किए गए हैं? तो 2 बार पेश किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था? तो नरेंद्र मोदी। ये जय जवान जय किसान ये किन्हीं और ने दिया था? जवाहरलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने कौन सा बजट पेश किया था? तो कौन सा बजट पेश किया था? तो ये है अंतरिम बजट पेश किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बजट 2024-25 में रुपये के कुल व्यय का अनुमान कितना लगाया गया था कि कितना खर्च हुआ? तो 47.66 लाख करोड़ खर्च किया गया, यह अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बजट 2024-25 में राजकोषीय घाट जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 5:1% लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिम बजट 2024-25 में कितनी महिलाओं को लाखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया गया है? तो 3 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट 2024-25 में वंदे भारत में के कितने नए सामान बोगियां के निर्माण किए गए हैं या घोषणा की गई है? तो 40,000 बोगियों के लिए घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला बजट पेश करता है? तो बजट 2021-19 वाला हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए, बजट संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 112 में लिया गया है इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को अमृतकाल कहा जाता है? तो आज़ादी की 75वें वर्षगांठ के 100 वर्षगांठ की अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस बजट को अमृत का पहला बजट पेश किया कहा गया था? तो 2023-24 को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार कितने बार समय के लिए केंद्रीय बजट पेश की हैं या कर रही हैं? तो 6ठी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट किस समय पेश किया जाता है? इसका समय है 11 AM और ये सुबह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में बजट को पेश किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था? तो 1947 में 26 सितंबर को पेश किया गया था सबसे पहला बार। और ये सबसे पहला बार मतलब महिला में किसने? तो ये हो गया प्रतिमा देवी पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बजट शब्द का अर्थ क्या है? तो चमड़े का थैला हो गया इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स विल्सम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन
बुगेट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बिगेट पेश करने वाली पहली देश की महिला वित्त मंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी परंपरा को समाप्त करने के बाद पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसने पेश किया था? तो यशवंत सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के इतिहास में बजट पेश करने के दौरान सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड वित्त मंत्री के नाम है, मतलब किस कौन वित्त मंत्री हैं जो सबसे ज़्यादा देर तक बजट पेश किए हैं और समय लिया है? तो निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? यह आपको कमेंट में लिख के बताना है कि कौन थे। और अगर प्लीज़ वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, अगर सेशन अच्छा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैंने थोड़ा कुछ मेहनत किया, तो मुझे वो लगे कि हाँ मैंने मेहनत किया और मुझे वो मेहनत का फल मिला। और आप लोग को लगता है कि मैं कॉपी पे लिख के आप लोग को बताती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जितना चीज़ें अवेलेबल है, मैं उस चीज़ से बताने का कोशिश करती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए, और वीडियो नहीं भी वॉच करने के लिए और नहीं सब्सक्राइब करने के लिए। अगर थोड़ा सा भी अच्छा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए। बाय, हैव अ नाइस डे।